साइकोलॉजी मुताबक साड़ियाँ शरीरिक बीमारियां दा 70% कारण साइकोलॉजिकल है। जे साइकोलॉजिकल कारण दूर हो जाए तो शरीरिक बीमारियां दूर हो जाएंगियां। उस तरह ए पी एस टेट विच साड़ियाँ साइकोलॉजिकल कुछ टेक्नीक्स ने जेड़ियां टीचिंग लर्निंग प्रोसैस विच यूज़ होंदियां हन। जे उन्हां नूं अप्लाई करदे हाँ तो तुहाडा टेंशन रिडक्शन जां टेंशन मैनेजमेंट हुंदी है, रीडेबिलिटी इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग ब्रेन विच वधदी है, तां तुहाडे 5 to 10 मार्क्स ते इफेक्ट पै सकदा है। वो टेक्नीक्स इहदे विच डिस्कस करन लगा हाँ। विशेष करके ये टेक्नीक्स औखे क्वेश्चनज नूं समझण लई बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और तुहाडे नतीजे बेहतर बन सकते हैं। पहली टेक्नीक है कि जदों तुसी क्वेश्चन नूं तुहाडे सामने क्वेश्चन आ गया, हाँ ये याद रखना है कि सारियां टेक्नीक्स, ये वाला सारा वीडियो जिहड़ा है ये क्वेश्चन जिहड़ा एग्जाम सेंटर विच तुसी बैठ गए हो, क्वेश्चन पेपर तुहाडे सामने आ गया है, उदों शुरू है। पिछलियां वीडियो पहलां तों टेक्नीक जिहड़ियां क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दीआं सी, गैस वर्क सी, ट्रिक्स सी, लॉजिकल जां प्रोबेबिलिटी बेस, उहनां दी गल कीती गई सी। ते पहली टेक्नीक है कि श्योरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और स्टैम। सब तो पहला एक स्टैम जा क्वेश्चन तुहाडे सामने है, हर हालत विच तुहानू उहदी समझ आ जानी चाहीदी है। जे समझ नहीं आई तां तुसी दो टेक्नीक, मिनिमम दो टेक्नीक जरूर अप्लाई करनिया है। पहली टेक्नीक एंड वेरी वेरी साइकोलॉजिकल टेक्नीक, रीडिंग स्ट्रैटेजी दी टेक्नीक है कि जदों तुसी पढ़ना है तो स्टैम नूं हाईलाइट करना है। सारे शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट शब्द जिस नूं तुसी हाईलाइट करना है, अंडरलाइन कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, उस नूं शब्द नूं बार बार इस तरह रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये तुहाडे को बुकलेट है, इस ते तुसी ए नहीं डरना कि ते निशान नहीं लगा सकते। आराम नाल जदों स्टेम आंदी है विच इंस्ट्रक्शनल अडैप्टेशन शुड टीचर में, है ना, तुसी तां लगदा है विजुअली चैलेंज्ड, इहदे विच शब्द आया है, उस नूं मैं अंडरलाइन कीता। जदों अंडरलाइन 2-3 बार कीता जां इनसर्कल कीता ते मेरे दिमाग ने फोकस ओ रख्या है कि मेन पार्ट इस क्वेश्चन विच ए है ते इहदे नाल रिलेटेड इनफॉर्मेशन एकदम सबकॉन्शियस माइंड विचों लोंग टर्म मैमरी विच्चों बाहर लैके आनी है ते ब्रेन फंक्शनिंग शुरू कर दिंदा है। सो तुसी वो अंडरलाइनिंग जरूर करनी है। हाँ, फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इत्थे ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पेपर है, दैट इज़ वाई पेन का प्रयोग तुसी जिहड़ा भी पेन ब्लू ते ब्लैक वरत रहे हो उहदा प्रयोग कर सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी है रीरीड करना, दोबारा रीड करो कि स्टेम समझ आ गई है। काली विच 3 वार गलत पढ़न नालों तसल्ली नाल 1 वारी पढ़ लेना बैटर होएगा। सो नैक्सट टेक्नीक है इस विच तुहाडी रूल 2 है, लुक फॉर वर्ड लाइक नॉट एंड एक्सैप्ट। मैं पहला भी जिहड़ियां वीडियो बनाईयां उहनां विच बार बार ये दस्या है कि तुसी नॉट का मतलब है कि तुसी असल विच नैगेटिव जां पॉजिटिव स्टैम जिहड़ी लभनी है, क्योंकि बिल्कुल मीनिंग बदल जांदे है जेकर विच नॉट लिखिया होवे। अच्छे क्वेश्चन दे विच नॉट नूं कैपिटल लैटर च लिखिया हुंदा है, हुण बाकी कोई भी शब्द जिहदे विच जिहदा मतलब नैगेटिव बनदा है। एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं इत्थे दित्ती है एक्सैप्ट। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं कहा जांदा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ए टीचर शुड अवॉयड, है ना, नीचे रीइनफोर्समेंट है, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, तो सो तुसी नैगेटिव वाला लभना है, मीनिंग बदल जाता है। इसलिए जिदा एनसर्कल या अंडरलाइनिंग करनी है पहला नुक्ता ही है, इंपॉर्टेंट फ्रेज या वर्ड है, नॉट नो भी हर हालत च अंडरलाइन या सर्कल करना है या नैगेटिव वर्ड जो स्टेम बनाता है। थर्ड रूल है साढ़े को, थिंक अबाउट द करैक्ट आंसर बिफोर रीडिंग द ऑप्शन। विकल्पों पढ़न तो पहला, देखो ये बहुत अजीब जी गल है, विकल्पों पढ़न तो पहला, फॉर एग्जाम्पल साढ़े को ये क्वेश्चन है, ये रूल मेरे ख्याल सारे को अप्लाई नहीं हो पाना, इसलिए इन बेशक ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दो। तुसी स्टैम पढ़ी है थ्यूरी ऑफ मल्टीपल इंटैलीजेंस इंप्लाई, पहला मैं मल्टीपल इंटैलीजेंस नू एनसर्कल कर लिया, उस तो बाद एक्सेप्ट नू के ए नेगेटिव स्टैम है, फिर मैं एकदम मेंटल ए बारे कोशिश करनी है कि रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन आ जाए। हर सवाल ते तुहाडे को अप्लाई नहीं होना, हाँ उस तो बाद तुसी इनू रीड करदे हो, नाल इना रिलेट करो, रीड करो, रिलेट करो, रीड करो, रिलेट करो, पर ए जेड़ी इना नू भी रीड करना है तो तुहानू ओ मेन वर्ड लभना पएगा कि जेड़ा इहदे नाल रिलेटड जां नहीं रिलेटड है। फॉर एग्जाम्पल सानू ए मिल जांदा है इमोशनल इंटैलीजेंस नॉट है, इनू तुसी अनसर्कल
करते हो ये अनसर्कल हुण तुहाडी रीजनिंग विच कि ये नैगेटिव है और नैगेटिव है ये बारे है इमोशनल इंटैलीजेंस तो ये रिलेटिड है तुसी सोचा क्योंकि इंट्रापरसनल इंटैलीजेंस ते इंटरपरसनल इंटैलीजेंस मिलके इमोशनल इंटैलीजेंस बनती हैं जो इमोशनल कोशेंट बनता है सो इस तरह एनसर्कल करके तुसी अपनी प्रॉब्लम नू सॉल्व कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी जी मैं दसी है शायद तुसी कट यूज करो इसलिए इनू तुसी छड़ सकते हो नेक्स्ट है फोर्थ रीड ईवन ऑल ऑप्शन वैन ईजीएसट एम सी क्यू सब तो आसान एम सी क्यू भी है तो तुहानू सारे विकल ऑप्शन पढ़ने चाहिए है कारण क्यों पंजाबी विच पढ़ देवां अच्छा कारण यह है कि यह हो सकता है कि बेस्ट आंसर क्वेश्चन हो बेस्ट आंसर क्वेश्चन विच सारे दे चार विकल्प ठीक हो सकते हैं तुहानू सब तो वधिया लभना हुंदा इसलिए तुहानू चारे पढ़ने पैणगे दूसरा कि तीन विकल्प भी ठीक हो सकते हैं दो विकल्प भी ठीक हो सकते उस चो बेस्ट लभना होएगा इसका नुकसा है कि एक तो ज़्यादा ठीक हो सकते हैं तुहानू बेस्ट आंसर लभना पै सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड दे क्वेश्चनां दे विच इस तरह हुंदा है जिहड़े फैक्चुअल है उन्हां विच अक्सर नहीं हुंदा अच्छा तुहानू सब तो सही जां सब तो वधिया जवाब लभना होएगा कई बार की हुंदा है स्टेम ईजी हुंदी है क्वेश्चन जिहड़ा है वह लगता है बहुत सौखा है लेकिन डिस्ट्रक्टर मतलब रोंग आंसर यह बहुत डिफिकल्ट हुंदे है इसलिए तुहानू हर ऑप्शन नू केयरफुली हर हालत विच पढ़ना है किसी नू भी छड़ना नहीं है नैक्सट है साडी स्ट्रैटेजी रूल when a question is difficult the statement for stem or long phrase it is difficult to understand use a little think aloud technique इनू समझ लो ये बहुत जरूरी है सब तो ज़्यादा जरूरी है कारण यह है कि वैगस्तकी की प्राइवेट स्पीच में जी इंपोर्टेंस दी गई सी वो यही सी कि जो असी सोचते हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तुहाडे सामने प्रॉब्लम है तो जो असी बोलते हाँ वर्ड्स तो साडी थिंकिंग नू आसरा मिलता है बाद वाली रिसर्च ने भी यह साबित किया है कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम बच्चा कि अडल्ट भी फेस करता है उन्होंने सॉल्व करने लिए खुद ब खुद बोलिया जाता है हुण इत्थे थिंक अलाउड की टैक्नीक है जदों कोई स्टेम या क्वेश्चन डिफिकल्ट है लंबा है जां वर्ड समझ नहीं आता तो उसे थिंक अलाउड कर सकते हो पर थिंक अलाउड क्योंकि एग्जाम विच है उच्ची नहीं बोल सकते उसकी दूसरी कैटेगरी है कि तुसी विस्परिंग कर सकते हो एनी उच्ची ध्वनि हौली हौली कर सकते हो लेकिन जे वह भी तुहानू लई लगता तुसी लिप नू मूव करो अपनी बॉडी नू मूव करो वो तुहाडी प्रॉब्लम नू इनफॉर्मेशन प्रोसैस ब्रेन विच करन नू हैल्प करती है गल्लां छोटियां लगदियां होणियां पर इंपॉर्टेंट है पंजाबी विच पंजाबी वाले रीड कर लियो छेवां नुक्ता है साइकोलॉजिकल लुक फॉर पॉसिबल आंसर चॉइस लाइक ऑल ऑफ द अबव वैन हाँ ये आसान है जो कि ऑल ऑफ द अबव आया होया इस ते डिफरेंट वीडियो वैसे आ जाएगा तो दो आंसर तीन आंसर है उन्होंने जो दो तुहानू राइट मिल गए है तो फिर तुसी ऑल ऑफ द अबव वल जल्दी जा सकते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नुकता पर तुसी वरतदे होवोगे ये मिस नहीं करना चाहिए अच्छा सैवंथ है आंसर ऑल द क्वेश्चन नो नैगेटिव मार्किंग इसलिए बन के चलना है बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन ते नहीं पहुँचते नैक्सट वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक किस तरह पहुँचना है अप्रोच का वो वीडियो है वो जरूर देख लेना कारण है 20% तो वद कैंडीडेट का क्लीयर जिहड़ा क्वालीफाई नहीं हो पाता टैसट वो ये कारण है कि पेपर करन दा तरीका नहीं पता इफ यू डोंट नो द आंसर ट्राई टू अच्छा जे तुहानू आंसर नहीं पता क्योंकि नैगेटिव मार्किंग तो नहीं है इट मीनस गैस वर्क लगाना ही चाहिए है फिर वो वीडियो जिहड़ियां लॉजिकल ते साइकोलॉजिकल वाली तो हो गई लॉजिकल है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना रैंडम गैस है उन्हां चो कोई लगानी है लोंग टेल वाली है दो सिमिलर वाली बड़े नुकते दसे हुए ने मैं तुसी उन्होंने थोड़ी जी एक्सरसाइज करके जाओ नॉलेज जिनी आनी सी आ गई है नॉलेज वालों जान की बजाय एक दिन तुसी स्ट्रैटेजीज ते ला लो सो वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट है एट्थ प्रेफर स्ट्रैटेजीज ओनली सूटेबल टू यू अच्छा कई बार होंदा है कि तुहाडे साथी भी ये कह सकते हैं कि मैं इस तरह किया स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब है इस नाल राइट आंसर मिल जाता है मैं भी किनिया वीडियो बेशक दित्तियां हुई हैं मैं ये नहीं कहना कि सारे उसनों अप्लाई कर लो जिहड़ी स्ट्रैटेजी ट्रिक गैसवर्क तुहानू सूटेबल लगता है सूटेबल जां समझ आता है जां तुहाडे को वो ट्राई आउट बैटर हो जाता है अप्लाई ओहो ही लागू करो जिहड़ा नहीं हुंदा कन्फ्यूजन नहीं होना फिर तुसी अपनी प्रेफरेंस जिस तरह माइंड ने बनाई है उस तरह रहना है क्लीयर रहना बैटर है कन्फ्यूजन नालों बेशक स्ट्रैटेजी ज़्यादा हो गई हैं इस तरह यूट्यूब तो इन्ना कुछ आ चुका है कन्फ्यूजन उन्ना वध रही है अच्छा
जो तुहाडे पीयर जां मेरी सक्सैस जिस स्ट्रैटेजी ने आई है जरूरी नहीं है कि तुहाडी भी उहदे नाल आई होवे। सो जिंदी तुहानू सूटेबल स्ट्रैटेजी अप्लाई हुंदी है उही अपनानी है तुसी। अच्छा नाल ही रिलेटेड है नैवर डायरेक्टली अप्लाई दीज स्ट्रैटेजी, जिन्हिया भी मैं स्ट्रैटेजीज दसियां है डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनिया, सीधे एग्जाम च करांगे। हाँ 10-20-25-30% फायदा होएगा, पर जे तुसी उसनू दो तरीके हैं, जां तां विजुअलाइज कर लो जां प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस नाल नाल मैं करवाई है, उन्हां ही पेपरां विच प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन वो मेरी डैमो सी, मेरी प्रैक्टिस सी। तुसी एक पेपर लैके 8-10 क्वेश्चन देख के लॉन्ग टेल वाले भी देखो, सिमिलर वाले भी देखो, जिहड़ियां स्ट्रैटेजी वक्खरियां 13 स्ट्रैटेजियां उन्हां अप्लाई करके देखो, फिर अज दा दिन तुसी प्रैक्टिस कर लोगे, कल तुहानू इहदा 80-90% फायदा हो जाएगा। जे नहीं है तो विजुअलाइज प्रैक्टिस करके तो ये पता लग जाएगा कि सूटेबल तुहाडे लई कि स्ट्रैटेजी है, दैन उस स्ट्रैटेजी की एक्सरसाइज करो तो अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। नैक्सट है मैच का क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जरूरी है भी मैच द क्वेश्चन नंबर सीरीज ऑफ आंसर नंबर ऑन द योर मार्कशीट। देखो किसी वेले असी राइट आंसर लभ्या हुंदा है, लेकिन वो राइट आंसर असी मार्क उत्थे असी मान लो पंजवें का करना सी, लेकिन उत्थे छेवें दे असी सर्कल कर दिता बी। सो ये मैचिंग किदां करनी है, फेले वाली स्ट्रैटेजी, फिंगर नू यूज़ करो कि यस मेरा पंजवां क्वेश्चन सी इत्थे ओएमआर शीट ते, है ना, पंजवां है। फिंगर यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, यस पेन तुहानू गाइड कर रहा है। सो वो मैचिंग नाल नाल होनी चाहिए है, उहदे लई पेन, ये गल मैं दस चुका हाँ। अच्छा मार्क केयरफुली, यूज़ गुड क्वालिटी पेन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पिछले वैसे वीडियो दसिया है कि पेन घट्टो घट 3-4 तुहाडे को होने चाहिए हैं, पेन थक जाता है, स्याही लीक हो जाती है तो तुहानू प्रॉब्लम आती है, उसके नाल इरेजर या ब्लेड या वो चीज़ जिहड़ी तुहानू कि उसनू साफ करना है। वैसे इदा दी नौबत ना आवे, ये वाले चक्कर च ना पईओ, तुसी एनसर्कल दी प्रैक्टिस ही पहला करो कि किस तरह करना है, और क्योंकि ऑफलाइन विच ये चीज़ टाइम ले लेंदी है। यह एग्जाम्पल है एनसर्कल दी, वो तुसी प्रैक्टिस नाल ही करना है। अच्छा रूल नंबर 10, मार्क्स साइड बाय साइड, दो तरह के कैंडीडेट ने जिहड़े एक क्वेश्चन पढ़ते ने नाल उस क्वेश्चन का जवाब ओ एम आर शीट विच फिल कर देंगे, दूसरा पढ़ते ने ओ एम आर शीट विच फिल कर देंगे, तीसरा पढ़ते ने, कई होंगे ने कि पहला उसनू इस शीट दे टिक कर लेंगे ने, एक तरीका यह है कि उत्ते टिक कर ले, डी है दा, सी है दा, दी है, बाद विच कट्ठे देख के भरांगे। वैसे तुहाडा मन जिसनू बैटर समझदा है, जिहदी प्रैक्टिस है उस तरह करो, पर नॉर्मली साइड बाय साइड वाला रूल नाल नाल ही फिल करदे जाओ, ए वाला रूल बैटर है, पर ये तुसी इंडिविजुअल डिफरेंस मुताबक जिहड़ा तुहानू ठीक लगता है, तुहाडा मन जिथे टेंशन तुहानू नहीं है, कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रहे हो, वो कंटेक्सट डिपेंडेंट मैमरी, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज है ना, कंटेक्सट डिपेंडेंट मैमरी की एक टेक्नीक है, कई बार तुहानू कोई इनफॉर्मेशन याद नहीं आती क्वेश्चन की, ता तुसी उस कॉन्टेक्स्ट मीन उस सिचुएशन नू याद करना है, तुसी उस कॉपी नू जिस जगह ते वो पढ़िया सी, नोटबुक दा पेन दा कलर जे होएगा, अच्छा यूट्यूब ते देखिया सी, तुसी किसी नाल डिस्कस कीता सी, है ना, वो चीज़ वल जाओगे ता वो इनफॉर्मेशन तुहाडे माइंड विच आ जाएगी। एक नुकता यह है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उदो तुसी थोड़ा सोच के जे वो सॉल्व नहीं हुंदा तो उसनू छड़ देना है, वो इनफॉर्मेशन प्रोसैस अंदर हुंदी रहिंदी है, बाद विच जो उदा आंसर मिल जाता है, 3-4 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुंदे हन, ठीक। दूसरी गल कि उस नाल रिलेटड इनफॉर्मेशन कई बार अगले क्वेश्चन च पई हुंदी है, सो तुसी वो छड्या सी, मार्क नहीं सी कीता, ते तुसी बाद विच उसनू सॉल्व कर लिया। हाँ उते नाल मार्क होर की करना है, डिफिकल्टी एवरेज जां बिलो एवरेज जां ईजी क्वेश्चन, वो मैं नैक्सट वीडियो दसदा हाँ, वो ज़्यादा इस तो ज़्यादा शायद बेनीफिशियल होएगी। अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड हो गई, पंजाबी विच हो गया। 12वीं स्ट्रैटेजी है ट्राई एंड लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चन, गल मैं वैसे करे आया हाँ, 12वां रूल यही सी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नू टाइम लगाओ, जदों तुसी टाइम लगा लेंदे हो, मन लो 1 मिनट एक क्वेश्चन नू सी, जे तुसी 3 मिनट 2.5 मिनट 2 मिनट किसी नू लगा रहे हो तो तुसी बाकी क्वेश्चन का नुकसान कर रहे हो, तुसी उनू समझ के पेन नाल अंडरलाइन कर करके दोबारा उसनू डी मार्क कर दो कि मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं बाद विच देखांगा,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਦੂਜਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2-3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਪੇਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਪਾਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਹਰ 1/2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਾਜੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜੇ ਖੋਲ ਲਓ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਵਿਤ ਕਰ ਲਓ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲੋ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯੋਗਾ ਰੀਅਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਲੋ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਿਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਨੈਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਕਸ ਗੈਸ ਵਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ